खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बुंदेलखंड गौशाला के संचालक संजू पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गौशाला के तालाब में अवैध रूप से जेसीबी मशीन की मदद से मुरुम निकाली जा रही थी, जिसे बाजार में बेचा जा रहा था। तभी ट्रैक्टर पलटते ही जेसीबी मशीन लेकर संचालक भागा। तहसीलदार ने तालाब की खुदाई की परमिशन देने से इनकार कर दिया। एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात की। सर, गौशाला में मेरा भाई ट्रैक्टर चलाता था, तो मुरम खदान से मुरम ले जा रहा था, तो वहाँ पे जेसीबी संजू पाठक चलवाते थे, तो मुरम भी चलवाते थे, जहाँ भी डलवाना। तो भाई ट्रैक्टर लेके गया, वहाँ जेसीबी चल रही थी, तो ट्रैक्टर जहाँ पर गया तो संजू पाठक ने बता दिया कि यहाँ जेसीबी नहीं थी, जो अकेले भर रहा था ट्रैक्टर अकेले भर रहा था, अकेले डाल रहा था, वहाँ कोई नहीं था, बल्कि जेसीबी चल रही थी, वो जेसीबी से भरा गया है, और जेसीबी के ना जेसीबी वालों ने उठाया है, ना जेसीबी से उसको बचाया। अब ये मामला अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे संज्ञान में आया है, और कारण क्या है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। देखिए, तालाब है और तालाब की मिट्टी को बाजार में बेचा जाए, ये बात तो मुझे संज्ञान में नहीं है। हाँ, लेकिन तालाबों का यदि उत्खनन हो रहा है, और अभी सरकार की योजना भी है तालाब के उत्खनन की, गहराई करने की, तो वो कोई समस्या का प्रश्न नहीं है। यदि तालाब को गहरा किया जा रहा है, नहीं हमारे द्वारा कहीं किसी तालाब को परमिशन नहीं दी जाती है, राजस्व विभाग के द्वारा कहीं कोई परमिशन नहीं दी। हाँ, इस प्रकार की घटना सामने आई है, और थाना प्रभारी एसडीपी उसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई, अभी जांच कर रही है हमारी टीम, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी।